आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी फ्राइड। इस गोभी को काट लिया है मोटा मोटा, आलू को लंबा लंबा मोटा मोटा काट लिया है। हम कढ़ाई के अंदर तेल डाल के इसके अंदर हम आलू को फ्राई करेंगे। अब आलू गोभी के लिए आलू को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसको हम गोभी को डालेंगे। अब ये हमारी गोभी भी है फ्राइड हो गई है, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। फ्राइड गोभी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। सबसे पहले इसके अंदर लौंग डालेंगे, जीरा, तेजपत्ता, लहसुन अदरक पेस्ट, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, इसको हम ब्राउन कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर प्यूरी। टमाटर को हम थोड़ा भूनेंगे। अब इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक अपने स्वाद के अनुसार, सब्जी मसाला, बेगी मिर्च, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, ऐसा गरम मसाला। तो तब तक हम हिलाएंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जो फ्राइड आलू गोभी करी थी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे। अब ये हमारी मसालेदार और फ्राइड गोभी बनके तैयार हो गई है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करें, शेयर करें और GS चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।